के साथ राहुल गांधी आज जयपुर आ रहे हैं। राहुल गांधी यहां युवा आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे और कांग्रेस की इस रैली में नागरिकता कानून का भी विरोध होगा। तो वहीं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे भी इसमें शामिल किए जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस ने रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। राहुल गांधी का जयपुर दौरा, जयपुर में युवा आक्रोश रैली, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। युवा आक्रोश रैली को संबोधित करने राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस ने रैली को कामयाब बनाने के लिए पूरी कमर कस ली है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट पल पल की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस के अलग अलग मोर्चों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। मुख्य मुद्दों से हटकर देश की जनता में आपस में भेदभाव बढ़े, सामाजिक भेदभाव बढ़े और उसके चलते हुए इन मुद्दों के तरफ किसी का ध्यान ना जाए, ये उनकी साजिश से पर्दा उठाने का काम जन आक्रोश रैली के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं। आज लोग संवाद नहीं कर रहे हैं, आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं समूचे देश के अंदर, उनसे कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है। तो उन लोगों को बताने के लिए कि हमारी जमहूरियत में, हमारे लोकतंत्र में हम तभी मजबूत हैं जब हम एक दूसरे से संवाद करें। और दमन की राजनीति, हिंसा हो रही है, कॉलेजों में पुलिस जा रही है, नकाब पहन के लोग कैंपस में घुस रहे हैं, इससे पहली बार देखा गया है। उनकी पहचान नहीं हो पा रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो तमाम नौजवान वर्ग आज बहुत एक अजीब मोड़ पर खड़ा है और राहुल गांधी जी के यहाँ पे आने से मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ताकत उनको मिलेगी। राहुल गांधी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी देश भर में इस तरह की रैलियां करने वाले हैं। इन रैलियों की शुरुआत राजस्थान से हो रही है। रैली में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जाएंगे। रैली को सफल बनाने के लिए पीसीसी चीफ सचिन पायलट और अविनाश पांडे ने अल्बर्ट हॉल जाकर तैयारियों का जायजा लिया। हालात इतने खराब है कि आप मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सब मुद्दों पर बात करते हैं, ना महंगाई पर बात करते हैं, ना बेरोजगारी पर बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, नौजवान नेता राहुल गांधी जी जयपुर से आह्वान कर रहे हैं पूरे देश को, आगे बढ़ो, चुनौती दो और खड़े होकर मुकाबला करो। मैं इतना कह सकता हूँ, केंद्र सरकार जयपुर की इस रैली के बाद जो युवा आक्रोश रैली हो रही है, मुझे भरोसा है निश्चित रूप से वो देश की जनता की आवाज को सुनेगी। कांग्रेस में राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि देश भर में युवा आक्रोश रैली इसी रणनीति का हिस्सा है। तो वही इस अभियान की शुरुआत जयपुर से होना राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। जयपुर में 50,000 से अधिक युवा जो हैं अब वो मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि कांग्रेस इस युवा आक्रोश रैली के जरिए भाजपा के CANRC जैसे मुद्दे का जवाब अपने राष्ट्रीय बेरोजगार रजिस्टर की मांग के साथ देना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि देश में CANRC की बजाय आर्थिक मंदी और युवाओं के रोजगार को लेकर बात की जाए। कैमरामैन राहुल के साथ।